चलो तुम भी क्या याद करोगी, मॉम ने कहा है इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूं। मम्मी बहुत कम वक्त रह गया है, शादी के बहुत सारे काम होते हैं, हम अभी एक लिस्ट बना लें। आज नहीं सादिया, थकी हुई हूँ बहुत, कल कर लेंगे। कल तो आप ऑफिस चली जाएंगी, फिर से रह जाएगा। मैं जा रहा है ना ऑफिस, मैं कल घर पे रहूंगी। बड़े अच्छे लोग हैं, मिलके दिल को तसल्ली हो गई है। को वहां पे देख के लग रहा था जैसे पसंद आए हैं वो आप। सुंबल कैसी लगी? तुमसे अच्छी है। That's not fair. अरे मायरा बेटा, आओ ना थोड़ी देर हमारे पास बैठो। नहीं बाबा, वैसे ही बहुत लेट हो गया है, सुबह ऑफिस के लिए जल्दी उठना है। अगर मैं देर से घर से बाहर निकली ना तो गाड़ी वाला मुझे फिर छोड़ जाएगा। आपा, आप एक काम क्यों नहीं करती, अपनी पिक एंड ड्रॉप सर्विस को कैंसिल करा दें। अब तो कार है, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। ये कार जिसकी नसीब की है ना, उसी को मुबारक हो। हमारे नसीब में तो यही रिक्शा टैक्सी लिखे। मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हो सभी, और जो कर रही हो ना वो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। किसी लड़की को पसंद कर लिया तो मुझे बता तो देते बेटा, मैं रिश्ते की बात तो ना चलाती। अब बिलावजह उन लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। कोई बात नहीं अम्मी, आप माजरत कर लें उनसे। ठीक है, उनसे तो मैं माजरत कर लूंगी, लेकिन फिर आज शाम को तुम मुझे उन लोगों के घर लेके चलोगे जिसे तुमने पसंद किया। जी अम्मी, आप जानती हैं उसे। कौन है वो? सुबी। क्या जुबी? हेमर, हेमर ऐसा नहीं हो सकता। जुबी क्या कह रहे हो तुम? क्यों मियां, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अरे उन लोगों से दोबारा ताल्लुक कैसे जोड़ सकते हैं हम? क्या तुम्हें दुनिया में सिर्फ वही लड़की मिली थी, कोई और नहीं मिली? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बेटा? अम्मी मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ किया। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। अम्मी मैं फैसला कर चुका हूं, मैं शादी सिर्फ और सिर्फ जूबी से करूंगा। वही हुआ ना जिसका डर था। शुक्र है गेस्टेस तो बन गई। जी, सबसे इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट हो गया। माशाल्लाह, छोटी बीबी की शादी हो रही है और सबको हंसी खुशी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब सब काम आप ही ने संभालने हैं। देखें, शादी के दिन में मेरी फ्रेंड्स रहने के लिए आएंगी, उनको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। छोटी बीबी, इंशाल्लाह सारे काम संभालूंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आसिया ये उठा ले, तुमने खा लिया? अब दे दो। चलिए ये भी ले जाए। अच्छा मैं सोच रही थी, तुमने कुछ डिसाइड किया है कि तुम मेकअप किससे करवा रही हो? वाजिद के पास जाने का सोच रही हूँ। ओके, इफ यू आर कंफर्टेबल। बल्कि ऐसे करना कि अपनी अपॉइंटमेंट के साथ सादे के अपॉइंटमेंट भी ले लेना। नहीं नहीं मम्मी, मैं घर पे ही मेकअप कर लूंगी। आई वॉन्ट यू टू गो। ओके देन। अच्छा मेरी एक दोस्त आ रही है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। आई विल सी यू गाइस। चलो शुक्र दैट्स डन।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कौन? सादिया हैं जी। जी मैं उनकी अम्मी हूँ। अच्छा, आइए आइए, अंदर आइए जी। सादिया बीबी, देखें कौन आया है। आप बहुत परेशान लग रहे हैं मुझे। हाँ तो बताइए ना। सुबी, शायद हम दोनों अब बहुत अकेले हो चुके हैं और ऐसे में हम दोनों को एक दूसरे के साथ की जरूरत है। तो हम साथ हैं तो? नहीं सुबी, मैं वक्ती साथ की बात नहीं कर रहा। मैं जिंदगी भर के साथ की बात कर रहा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं सुबी। सादिया का सिर्फ हम दोनों से ताल्लुक था। उसने जो ज्यादती हमारे साथ की है उसका अंदाजा हमारे सिवा किसी और को नहीं। देखो जुबी, जो कुछ मैंने सादिया के साथ सोचा था वो सारे जज्बात, वो सारे एहसास तुम्हारे कदमों में रख देना चाहता हूं। यकीन मानो, तुम्हारा इकरार हम दोनों की जिंदगियों में खुशियों के रंग बिखेर देगा। इनकार मत करना। सजा तो तुम्हारे लिए भी होगी। मैं तरोती थी, इतना तरपती थी आपके लिए। सिर्फ ये सोचती थी कि कहीं मेरी अम्मी मुझे गलत तो नहीं समझती। नहीं बेटा, तुम गलत नहीं थी, मैं तब भी जानती थी। मैंने हैमर को कोई धोखा नहीं दिया, उसका भरोसा नहीं तोड़ा अम्मी। वो तो मैं और सुबी, अब वो शौहर है तुम्हारा। अपनी जुबान पे उसके लिए कोई ऐसी वैसी बात ना लाना। मुझे मुझे जूबी की बहुत फिक्र है। अब कोशिश करेगा कि वो मेहर से ना मिल पाए। कहीं कहीं कुछ कुछ गलत हो गया तो आप ऐसा करें कि जूबी की शादी कर दें। हाँ कुछ करती हूँ मैं। बेटा तुम अपना बहुत ख्याल रखना, ये अब तुम्हारा घर है।
अब तुमने सिर्फ इस घर में नहीं, इस घर में रहने वाले सब लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है। ये तुम्हारा घर है। मेरा फोन। मेरा फोन नंबर है, मुझे कभी भी फोन कर लीजिएगा, ठीक है? कहेंगी ना? तुम्हारे लिए बनवाए थे। बेटा अपने अब्बू को माफ कर दो। जो कुछ उन्होंने किया उसके बाद में माफ कर दो। बाप है वो तुम्हारे, माफ कर दो। मेरा बच्चा आप सादिया की बिल्कुल फिक्र मत करें, ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। वैसे भी इसका आना इतना बाबरकत है हमारे घर में कि आते ही इतनी बड़ी खुशखबरी दी है इसने। जी इसने मुझे बताया है, आपकी बहुत तारीफ कर रही है। अल्लाह आपको खुश रखे। आपकी बेटी बहुत अच्छी है। अब आप खाना खाकर जाएंगी? नहीं नहीं वो पहले ही बहुत देर हो गई है और मेरे यहाँ आने का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जीनत, जीनत, कहाँ चली गई? कहां गई थी तुम? क्या पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बीपी लो
हाँ।